नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण शाहीन अकॅडमी या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहेत की अनेक जे आहेत विद्यार्थ्यांनी जास्त मार्क घेऊन हा MBBS साठी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आज सत्कार सोहळा सुरू होता। सर्वात जास्त मुलींनी जे आहेत बाजी मारलेली आहे। आपल्यासोबत हफ्सा बेगम आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे त्यांना काय वाटतं या बद्दल। आज जे रिझल्ट आया आहे तो इट्स ऑल अनरिकॉग्नाइजेबल अनइमॅजिनेबल टू मी। इट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्युअस एफर्ट्स डन बाय द शाहीन अकॅडमी अँड माय पेरेंट्स। लास्ट इयर आय गॉट 479 मार्क्स। आय डिडंट गेट द सीट इन MBBS कॉलेजेस, दॅट्स वाय आय रिपीटेड वन मोर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आय गॉट 569 मार्क्स। दिस क्रेडिट गोज टू फुल्ली माय पेरेंट्स अँड टीचर्स, वो हेल्प मी अ लॉट। I have prepared myself during these days, during the pandemic days with Shaheen. I have better experience from here. इस तरीके से जो भी है बनते हैं MBBS, तो उसके बाद जो सेवा करें तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये MBBS अगर जब कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो ये प्लान है कि आगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। यही शाहीन से, यही अभी से ट्रेनिंग हमको यही दी जाती है कि मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाना है, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए बहुत आगे आएंगे और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के नांदेड़ में इंशाल्लाह हम हमारा सेवा करेंगे। कैसा शाहीन अकेडमी में जिस तरीके से आज नीट की एग्ज़ाम हुई है, उसमें अच्छे लोगों ने, बच्चियों ने रिजल्ट दिया, आप भी है उसके अंदर, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हमको बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे एक इदारे में, दीनी इदारे में हैं, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुशी खुशी भेज देंगे। एक ऐसा दीनी इदारा है और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इसमें जिस तरीके से कुछ नहीं आते थे, ट्यूशन लगाना, जाना आना दिक्कत आती थी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सुविधा कैसी है? यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वैन सुबह आ जाती है और अपने को अपने घर के आगे आके खड़े हो जाना हो जाता है। वैन आती भी है और शाम आकर लेके भी जाती है। जिस तरीके का पर्दे का मसला रहता है, वो पर्दे का पूरा अहतमाम है यहाँ पर। बॉयज कैंपस अलग है और गर्ल्स कैंपस अलग है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों के लिए बेफिक्र हो जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आज जिन भी आप भी हैं उसमें और सभी ने जो अच्छे मार्क्स लिए नीट में, इनके लिए क्या मुबारकबाद? इनको मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और हम भी इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होंगे और अपने माँ बाप का इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। सर, शाहीन अकेडमी में आज जिस तरीके से हौसला अफजाई के लिए बच्चे नीट की परीक्षा में पास हुए, इसके लिए लोग जो है पढ़ाई से पीछे रहते हैं, और कुछ कामयाबी के लिए आप जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए? यहाँ पर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को मिल रही है और बड़ा आनंद हुआ यहाँ पर देख कर कि इतने अच्छे बच्चे यहाँ पर नीट से क्वालिफाई होकर जा रहे हैं मेडिकल में, और बहुत ही ये एक बड़ा सक्सेस है इंस्टीट्यूट का। और अच्छी बात है कि एजुकेशन के द्वारा बच्चे अभी आगे आ रहे हैं, तो इन सब बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये बाकी बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते या पढ़ाई के रास्ते पर नहीं है, उनके लिए बड़ा इंस्पायरिंग मौका है ये। मैं उम्मीद करता हूँ इसके आगे भी ये बच्चे अच्छा करेंगे और आगे आएंगे पढ़ाई में। ऐसा लगता है कि डॉक्टर ही बने, बाकी सब बाकी चीज़ों पर दुर्लक्ष करते हैं, तो इसलिए बाकी चीज़ भी ज़रूरी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि पुलिस अफसर बने, क्योंकि पुलिस अफसर बनने में कितना अच्छा आप सेवा कर सकते हो ये मैं जानता हूँ। तो अगर कोई तैयार है कि नीट छोड़ के आके पुलिस अफसर बने, तो उसके लिए मैं वेलकम करता हूँ। यस, ज़रूर आइए, सर्विसेज में आइए, और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत ज़्यादा तबके को आप कंट्रोल कर सकते हो और सबकी मदद कर सकते हो, और इसमें सेवा के मौके बहुत हैं। तो यस, मोस्ट वेलकम। अगर कोई पुलिस सर्विसेज में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपल्या सोबत शाहीन अकॅडमीचे डॉक्टर अब्दुल खदीर सर आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की हा आज ज्या पद्धतीने नीटचा निकाल आलेला आहे, यांची कौतुक करण्यासाठी ते स्वतःहून नांदेड जिल्ह्यात आलेले आहेत, त्यांचं काय मत आहे नीटमध्ये ज्या यशस्वी झालेल्यांना गर्व पुरस्कार देऊन सम्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गर्व केलेला आहे। रात के साथ इस कॅम्पस को आगे लेके चल रहे हैं, उनका भी यही मानना है, और यहाँ पर भी नांदेड में भी वो तमाम एडवांटेजेस गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, हुफाज के लिए हम दे रहे हैं।
आपने कहा कि सर जिस तरीके से ट्यूशन कोई लगाता है और वो हमारे पास आता है तो हम उनको नहीं लेते, बगैर ट्यूशन के हम हमारे शाइन अकेडमी में रहते, तो नांदेड़ का भी ऐसा ही होगा, महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से शाइन अकेडमी है तो वहाँ पर भी कोई नो ट्यूशन ऐसा कुछ आगे प्रोसेस? देखिए, आज बीदर ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है और ये दिन दूर नहीं कि ये पूरे महाराष्ट्र में इसका असर होगा, और नांदेड़ में भी हम पूरे यकीन के साथ बता सकते हैं कि जो ये ट्यूशन की दौड़ है, एक लड़का दिन में 4 मुकाम पर जाता है और जिससे नस्ल का जो नुकसान हो रहा है वो ख़त्म होगा, और ये ट्यूशन कल्चर को हम ख़त्म करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा नांदेड़ में ख़ास तौर पर। जो भी आज जिस तरीके से मार्शल आर्ट विद्यार्थियों के लिए क्या मुबारकबाद जी, तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन के बावजूद भी पढ़े, और स्टूडेंट जिनके घरों में, जैसा कि एक लड़की बता रही थी कि घर में मैरिज थी, बहन की शादी थी और वो घर के बजाय हॉस्टल में आ गई, उसका फ़ायदा होगा और वो 550 के करीब मार्क्स ले चुकी है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हो और रेसिडेंशियल कैंपसेस, अच्छे माहौल के रेसिडेंशियल कैंपस की ज़रूरत है नस्ल को, ख़ास तौर पर 8 to 12 रेसिडेंशियल ट्रेनिंग की पूरे हिंदुस्तान भर में ज़रूरत है, जहां पे बच्चों को एक अच्छे माहौल में, पाको साफ माहौल में रखकर तैयार किया जाता है। ये चल रहा है जी, और इसमें किस तरीके से सुविधा है, और आज जो है जिस तरीके से जो बच्चों को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है, तो ये जो है शाहीन अकेडमी में जिस रिज़ल्ट आया है नीट का, इसके बारे में क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, शाहीन अकेडमी नांदेड़ 2018 में शुरू हुआ था, पहली बैच 2018 में थी और पिछले साल हमारी पहली बैच का रिज़ल्ट आया था, इस साल दूसरी बैच का रिज़ल्ट है। शाहीन अकेडमी की खसूसियत ये है कि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग क्लासेस होती हैं, रेसिडेंशियल कैंपस है, जो रहना चाहते हैं हॉस्टल में रहकर पढ़ सकते हैं, जो डे बोर्डिंग में होते हैं उनके लिए सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे तक पूरा यहाँ पर एक ही अंडर वन रूफ पूरे सब्जेक्ट की तालीम दी जाती है, तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में, मोबाइल का अलाव नहीं है, बाइक अलाव नहीं है, और इसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग क्लासेस होने की वजह से, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल होने की वजह से बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी हमारी नांदेड़ शाहीन की टॉपर 635 नंबर्स लाई थी, इस बार की हमारी टॉपर ने 605 नंबर्स लिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि कुछ ट्यूशन्स रहते वहाँ पर बड़ी फीस रहती है जो भर नहीं सकते, उन लोगों के लिए अपने पास क्या सुविधा है? जी, हम लोगों ने ये पहले दिन से ये तय किया है कि शाहीन अकेडमी नांदेड़ ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक हैं, ज़हीन हैं और मुस्तहिक हैं, ऐसे ज़हीन बच्चे जो पैसे फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनको हम एक एग्ज़ाम के ज़रिए सिलेक्शन करते हैं और 20% बच्चे हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिनको हम मुफ्त कोचिंग देते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट करते हैं, मुस्तहिक होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, उनके लिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं, पूरा 100% फ्री एजुकेशन देते हैं। जिस तरीके से बाहर गाँव से जिस रहता है कि ये नांदेड़ में शाइन अकेडमी है और ऐसा वो गुलबर्गा में भी है ऐसे बड़े पैमाने पे, तो नांदेड़ में जो आना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधा किस तरीके से अपने पास रहती है? नांदेड़ में दोनों फैसिलिटी है, डे बोर्डिंग और हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हॉस्टल फैसिलिटी में बच्चे यहीं पर रहकर पढ़ते हैं, 24 आवर यहाँ पर मॉनिटरिंग में रहते हैं, जहाँ पर उनका खाने का नज़्म, पढ़ाई का नज़्म, वार्डन और सुपरवाइज स्टडी का भी नज़्म होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रक्शन फ्री माहौल में होते हैं और यहाँ उनको असातिज़ा हमेशा अवेलेबल होते हैं उनके कुछ डाउट क्लियरिंग के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल की वजह से रिज़ल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है इस साल भी। जिस पिछले 2 साल से काफ़ी लोगों भी आप भी जो है पढ़ाने की कोशिश करें मगर वो लॉकडाउन से कुछ कारण रह गया, पर आने वाले आप यहाँ से जो है जिस तरीके से बच्चों को भी हौसला अफजाई के लिए और जो नए एडमिशन होते हैं तो उनके लिए आप क्या अपील करें? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरी दरख्वास्त यही है कि लॉकडाउन की वजह से सभी के हालात ख़राब रहे हैं, बच्चों का काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है, लेकिन उस सब को भूल करके फिर से हमको शुरुआत करनी चाहिए यहाँ से, जो बच्चे और जो वालदैन पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो राबता करें, इंशाल्लाह उनके लिए जो भी मुमकिन हो सके हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उनके एडमिशन का नज़म भी करेंगे। खास तौर पर नीट रिपीट करने वाले बच्चे, ऐसे जो बच्चे नीट रिपीट करना चाहते हैं और 400 से ज़्यादा मार्क्स उनके पहले आ चुके हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा कंसेशन रखा गया है फीस में भी, तो ऐसे बच्चे और जो मुस्तहिक बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं ऐसे बच्चे भी कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह उनके लिए भी हम खसूसी नज़म कर रहे हैं ज़रूर। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2-व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।